नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मोक्ष, जहां पर मैं पांडे आप सभी का एक बार फिर से दिल से स्वागत करती हूं। और आज के इस खास वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं कि कब पधारने वाले हैं आपके घर में गणपति जी। जी हां, इस साल किस शुभ योग में गणेश चतुर्थी आप सभी को मनाना है, ये सभी जानकारियां लेकर मैं इस वीडियो में हाजिर हो चुकी हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की इस खास वीडियो को। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर माह का अपना एक विशेष महत्व बताया जाता है। हर महीने किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है और उस महीने में उन देवता की पूजा से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। और इस बार गणेश चतुर्थी 31 अगस्त यानी कि बुधवार के दिन पड़ रही है। बुधवार के दिन होने का कारण गणेश चतुर्थी का महत्व कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित होता है और इसी दिन गणेश चतुर्थी होने से इस दिन व्रत का खास महत्व है। दोस्तों, गणेश चतुर्थी के दिन घरों में गणपति की स्थापना की जाती है और उन्हें 10 दिन तक घर में विराजमान किया जाता है। इस दिन 10 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत होती है। आइए जानते हैं भाद्रपद महीने में पड़ने वाले गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त और पूजा की सारी विधियों के बारे में। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार गणेश चतुर्थी की शुरुआत 31 अगस्त से हो रही है। 30 अगस्त मंगलवार दोपहर 3:33 पर चतुर्थी तिथि आरंभ होगी और 31 अगस्त दोपहर 3:22 पर समापन होगा। उदय तिथि के आधार पर गणेश चतुर्थी का व्रत 31 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन गणेश जी की पूजा का शुभ मुहूर्त 11:05 से दोपहर 1:38 तक है। वहीं गणेश विसर्जन 9 सितंबर 2022 में किया जाएगा। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना भी की जाती है। गणपति को ढोल बाजे के साथ धूमधाम से घर में विराजित किया जाता है। उन्हें 10 दिन तक घर में रखा जाता है, उनकी पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह स्नान आदि के बाद साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर गणेश जी की मूर्ति स्थापित की जाती है। बप्पा का जल से अभिषेक भी किया जाता है। उन्हें अक्षत, दुर्वा, फूल इत्यादि अर्पित किए जाते हैं। उनका प्रिय भोग मोदक भी उन्हें अर्पित किया जाता है और अंत में उनकी आरती और मंत्र जाप किया जाता है। दोस्तों, मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन घर में बप्पा की स्थापना करने से और उनकी विधि विधान के साथ पूजा आदि करने से बप्पा भक्तों के सब विघ्न दूर करते हैं, उनकी कष्ट हर लेते हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी को हमारी दी गई ये खास जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों।